Khakhrawala. इलेश मेरी बात सुन। माँ आज मुझे कोई नहीं रोकेगा माँ। सारे पोस्टर तूने ही छपवाए थे ना? अरे कहा ना मैंने नहीं लगाए ये पोस्टर। मैं तो इन सब से कब से कह रही हूँ। हाँ तुम्हारा भाई जी? मैं भाई कहलाने के लिए भाई नहीं हूँ। मैंने ही ये सब किया है। माफ कर दो मुझे। जो सजा देना चाहो सजा दो मुझे। सजा तो आपको मिलेगी। रक्षाबंधन के दिन आपको राखी बांधूंगी मैं। पंचो ने मारा भाई। सुरेश भाई बड़ा भाई छोटी बहन का पैर नहीं छूता, यह हक तो मेरा है। आपके हाथ छोड़ता मैं जरूर आपका भाई बनूंगा। आप कुछ मत कहना, आपके सारे शब्द तीर से लगते हैं मुझे। इतने अच्छे बर्ताव के लायक नहीं हूं मैं। बस एक बार माफ कर दो मुझे दिल से। माफी मांगना चाहती हूँ ना? आपके दिल के अंदर जो जो ईश्वर बसा है ना, उससे माफी मांगना सुरेश भाई, और प्रार्थना करना कि औरत के लिए आइंदा ऐसे विचार कभी ना आए। मांगोगे ना? सुरेश भाई रोइए मत, वरना मैं भी रो पड़ूंगी। हाँ जय अंबे भाई। जय अंबे मेरी बहन। हे मांगवे मेरे सुरेश भाई को माफ कर देना, उसे सदाई सद्बुद्धि और शांति देना। विश्वम भरी अखिल विश्वतणि जनेता विद्याधरी वदन मा वस जो विधाता दुर्बुद्धि ने दुर करी सद्बुद्धि चलो उदय दिव्या अपने अपने क्लासेस के लिए चलो। इलेश निलय चलो बेटा जाओ। क्या हुआ? सब खत्म? अभी चलो निकलो अपने अपने काम पर। अरे मारी नव दुर्गाओं 20 किलो नो ऑर्डर छे, खाकरा यही बनाने का इरादा है क्या? चलो चलो गायत्री दुर्गा लक्ष्मी चलो। हाँ चलो चलो चलो। दुकान कौन संभालेगा? हाँ भूल गया। वाह कृष्णा बेटा, बड़ी अच्छी सूझबूझ के साथ में तुमने बात को संभाल ली, वरना मुझे तो डर था कि आज कुछ। अन्ना साहब लड़ने झगड़ने से क्या फायदा,
गैरों को अपना बनाने में देर नहीं लगती, बस चुटकी भर सोच बदलने की जरूरत है। आपने शैलू भाई, बैजू भाई, आज ही आपने सब मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या कृष्णा बहन, आप भी शर्मिंदा कर रही। अरे शैलू भाई, मटर छिलने का ऑर्डर आया आज यहाँ से। जय अम्बे, दिन कर दिल अम्बे, एक जिंदगी कितने काम। इसे कहते हैं मेरी कृष्णा की कृष्णागिरी। वाह, मेरी गोड़ पापड़ी। क्या सुरेश, चलो चलो चलो, शूट है यो। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? शूट है यो। अरे उदय, क्या हुआ? ना दिख रहा? दिव्या, बस बस, क्या हो गया तुम लोगों को? ऐसे रोते? अरे आंसू कमजोरी है। देखो, तुम लोग जानते हो ना, तुम्हारी आंखों में आंसू देखूंगी तो मैं भी रो पड़ूंगी। हाँ माने रड़ाविश मामा, फिर नेश? अरे कभी कभी इंसान की मति ना भ्रष्ट हो जाती है। वो सुरेश भाई ने गलती मान ली ना, खत्म हो गई बात, अब भूल जाओ ना उसे। सुरेश भाई को हॉकी से मारने गया? अरे तू वकील बनने जा रहा है ना, ऐसा करेगा तो कानून को अपने हाथ में लेगा। सबको क्या बोलूंगी मैं कि देखो मेरा वकील बेटा ऐसा है। चलो चलो अपने काम पे चलो, चल निलय। और तू बड़ी बड़ी कंपनियां चलाएगा ना ऐसे झगड़ा करके, समझा इसे? हाँ, तेरी कैट की एग्जाम है ना, तुझे पढ़ना नहीं है? हाँ चल, आजा चल। दिव्या, चल। ओए उदय, बहुत बोलते हो तुम। हाँ रोना मत, हाँ जा बेटा जा, ऐसे रोते नहीं। हाँ जा, ऐसे ले जा, जा शाबाश जा। अरे इलेश, वो सुरेश को। ना बेटा, भूल जा उस बात को। अरे वो बात खत्म हो गई ना, है ना? अरे बस 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 इलेश। भूल जाओ, सब खत्म हो गया ना।
देख कितनी देर हो रही है ना, तुझे जाना है ना, आगे बहुत बढ़ना है बेटा तुझे। ऐसे रोते बैठोगे तो कुछ नहीं होगा बेटा। चल चल उठ, चल उठ बिकरा, जीव तो रहे। बस बेटा, जा बेटा और ऐसे ही हंसते रहना, दिन अच्छा जाएगा। जा जय अम्बे। जय अम्बे। तो मुझसे बुरा न कोई। औरतों की मजाक तो क्या, उनके सामने आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अरे बस बस, अब बस भी करो। जैसा अन्न वैसा मन। ऐसे कड़वे विचार के साथ खाने की चीज बनाएंगे ना तो उसमें भी कड़वा हटा जाती है। एक जिंदगी कितने काम, चलो मारी मावड़ियों, चलो। लक्ष्मी का हाथ लगते ही खाकरा गोल गोल चांद की तरह बनता है। अरे कृष्णा बेन, बचपन से ये चांद ही तो है नसीब में। छोटी थी तब माँ खिलौने के बदले चांद दिखाकर चुप कराया करती थी, और यहाँ आई तो ये खाकरा फिर चांद बनकर सामने आ गया। हर घर जाओ ना तो गंजे पति का टकला देखकर फिर से चांद की याद आ जाती है। अब तो ये चांद की जेरोक्स कॉपी छप गई है आंखों में। वाह गायत्री, तुम्हारे हाथ तो इतने फास्ट फास्ट चल रहे हैं जैसे विरार की फास्ट ट्रेन। अरे ये बेलन नहीं, बम है, बम हमारे लिए। मेरे पति रोज मुझे मारते थे, लेकिन एक दिन मैंने भी ये बेलन उठाया और बोल दिया अब मार के दिखा। तब से एकदम चेंज। आप बोलते हैं
कैसी हो डार्लिंग? अब बस बस बातें कम, बहुत हो गया मजाक। ऑर्डर पूरा कैसे करेंगे? हाँ कृष्णा बहन, हाँ हो जाए मुकाबला, काम का काम और साथ में धमाल भी। देखते कौन फास्ट फास्ट खाकरा बनाता है। हो जाए हो जाए। अरे गोल गोल खाखरे बनाए, चल गोल गोल खाखरे बनाए, गोल गोल खाखरे बनाए, चल गोल गोल खाखरे बनाए। पतला बनाए तो टूट टूट जाए, मोटा बनाए तो कोई ना खाए। अरे पतला बनाए तो टूट टूट जाए, मोटा बनाए तो कोई ना खाए। धिन धिनक धिन धिन ना, धिन धिनक धिन धिन, धिन धिनक धिन धिन ना, धिन धिनक धिन धिन। आटा नमक तेल मिर्ची है, आटा नमक तेल मिर्ची है, अरे मीठा भी हो तीखा भी हो, लेकिन कभी ना फीका ये हो। मीठा भी हो तीखा भी हो, लेकिन कभी ना फीका ये हो। धिन धिनक धिन धिन ना, धिन धिनक धिन, देखा कृष्णा, हो गया ना आधा से ज्यादा काम पूरा। साचू कहियो तमे मासी, आप सब मेरे साथ हैं, इसलिए इतना सब कुछ हो पाता है। और आजकल इतने भरोसे वाले और अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं? यार उदय जब से कॉलेज से निकला है तब से थोड़ा टेंशन में लग रहा है। क्या बात है यार उदय? एक कोचिंग क्लासेस वालों ने फीस कितनी बढ़ा दी है ना, आई मीन फर्स्ट टर्म तक 6,000 थी वो समझ में आता है, लेकिन यार अभी उन लोग ने 10,000 कर दिए। हाँ यार क्लासेस डिमांड में है ना, और वैसे भी जिंदगी में जब बेस्ट चीज चाहिए होती है तो बेस्ट कीमत भी देनी पड़ती है। अरे लगता है बस नहीं आएगी, चलो चलो हम लोग रिक्शा में चलते हैं। चलो चलो। नहीं नहीं यार तुम लोग जाओ, दिव्या को कुछ काम है, हम लोग आते हैं। ओके चलो बाय। ओके डूड बाय। ओके बाय डूड बाय। चलो बाय। रिक्शा रिक्शा। दिव्या तेरे 10,000 मेरे 10,000 टोटल 20,000। 20,000 फीस ज्यादा होती है। माँ को बोलने में भी शर्म आ रही है, इट्स टू मच ना। अब घर पहुंचते ही जब जब माँ बहुत अच्छे मूड में होगी ना तब मैं उनसे बात करूंगा। ये पर कब? कल लास्ट डेट है ना। पर अब देख हम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ ना, क्या होगा, हमें ये क्लासेस छोड़ने पड़ेंगे, वो वही ना देखा जाएगा। इतना ज्यादा जय अम्बे, ये बिजली का बिल तो हम पर हर महीने बिजली गिराता है। ले ले भर के आ जा। हाँ हाँ भले भले। कृष्णा बहन वो डीजल के 900 रुपए चाहिए थे। आलो अली भाई डिलीवरी टाइम पर हो जानी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है मैं चलता हूँ। का बिल दे दिया अली भाई को, 900 रुपए दे दिए, ये इस महीने के खर्चे के लिए। अरे मावड़ियों एक बज गए, खाना खा लो।